आए हुए सभी मेहमानों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि हम बच्चों को आज की दुनिया में जो इंग्लिश मीडियम का सिस्टम चल रहा है और इंग्लिश मीडियम के नाम पे एक भारी भरकम फीस ली जाती है, जो गरीब परिवार से लोग हैं या जो गरीब लोग हैं वो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाते। हमारा मकसद है कि हम कम फीस में और जो बच्चे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं लेकिन पढ़ने में अच्छे हैं उनको फ्री में शिक्षा देकर और एक अच्छा स्टूडेंट बनाया जाए, ताकि वो आगे चलकर नीट, आईएएस, पीसीएस और दूसरे बड़े एजुकेशनल सिस्टम से जुड़ सके और अपनी फैमिली, नगर, जिला और शहर और मुल्क का नाम रोशन करे। इसी के साथ मैं इस स्कूल के डायरेक्टर मनोज सर का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस सिस्टम को बनाने में वो हमारा काफी सहयोग कर रहे हैं और उनकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा सिस्टम चल रहा है। उसके बाद मैं स्कूल के प्रिंसिपल जनाब शाहिद अंसारी साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि वो हम लोगों को अपने कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं और सभी लोग एक दूसरे का साथ और सम्मान करते हुए इस स्कूल को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ के पूरे स्टाफ का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे सिस्टम को बनाने में और आगे बढ़ाने में हम सब एक दूसरे के साथ हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब्दुल सलाम स्कूल में मदर डे आइसक्रीम डे पे ये आयोजित प्रोग्राम में मौजूद हमारे सभासद शमशाद अहमद मिंबल साहब, जमील अहमद साहब जो इस स्कूल के मैनेजर हैं, उनके वालिद मोहतरम हबीब भाई और टीचर और प्यारे बच्चों, आज हमें इस मौके पर मेहमानों खुसूसी के लिए प्रोग्राम में बुलाया गया। इसके लिए मैं जमीलुर रहमान साहब और उनके पूरे स्कूल के स्टाफ को शुक्रिया कहता हूँ। साथ ही साथ मदर्स डे पर सिर्फ हम आपसे इतना काम करना चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में कोई भी इंसान हो, माँ का एक अहम रोल होता है। माँ हमारे लिए पहले, हमारा जो जन्म के बाद पहला दिन होता है, वहाँ से जब तक हम उसके साथ रहते हैं, चाहे वो हमारे साथ रहती हैं, हमें हर मौके पर वो सपोर्ट करती हैं। हमें अगर सर्दी खांसी बुखार होता है तो डॉक्टर के पास ले जाती हैं, या कम से कम वो खुद नहीं जाती हैं तो वो जो हमारे वालिद होते हैं, बच्चों के जो गार्जियंस होते हैं, उनको इत्तला देते हैं कि बच्चे को बुखार है या इसकी तबीयत खराब है, उसको वो फिक्रमंद रहती हैं। हमें स्कूल आना होता है तो भी माँ सुबह से उठ के टिफिन बनाना और नहलाना धुलाना, बच्चों को तैयार करना, स्कूल के लिए भेजना, माँ जिंदगी में हर मौके पर उसका एहसान हम अदा नहीं कर सकते, लेकिन माँ हमेशा हमारे लिए दुआएं करती हैं। आज इस मौके पर हम तमाम आए हुए गार्जियंस, इसमें बहुत से बच्चों की माएँ हैं, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप लोग इतनी बड़ी तादाद में इन बच्चों का हौसला अफजाई के लिए, स्कूल की स्टाफ और मैनेजर्स के हौसला अफजाई के लिए आप लोग आई हैं। मैं इस स्कूल में आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। और साथ ही साथ मैनेजर साहब ने, चूंकि हम लोग नगर पंचायत से के जिम्मेदार हैं, इसलिए इन्होंने यहाँ की रोड की बातें कही हैं, हम इनको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ये बड़ा काम है, हम इसके लिए पूरा प्रयास कर, हम ये तो नहीं करते कहते कि एक दो महीने में करा देंगे, लेकिन मैनेजर साहब हम आपसे ये वायदा करते हैं
कि हम दो चार छह महीने आठ महीने के अंदर अंदर जरूर इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे साथियों। इसी के साथ हम दोबारा आपका शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात खत्म करते हैं। थोड़ा